तो आप लोगों ने इतना ज्यादा कमेंट किया भाई, आपका हेडशॉट सीक्रेट शेयर करो प्लीज प्लीज। तो फाइनली आज का वीडियो पे मैं मेरा हेडशॉट सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, और इन सीक्रेट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक भी पार्ट को मिस मत करना क्योंकि एक के बिना एक अधूरा है। तो अभी बात करते हैं पार्ट नंबर 1 के बारे में। तो मैं इस वीडियो पर ऑलरेडी मेरा सेटिंग दिखा दिया है, तो अगर आपने यह वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यह वाला वीडियो को देखने के बाद देख लेना। तो अभी बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो ओके, जब आप लोग एनिमी को देखते हो तो क्या करते हो, या तो आप लोग सीधा फायर करते हो या तो रोटेशन ड्रैग करते हो, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो अभी बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे कि तू अगर रोटेशन ड्रैग नहीं करता है तो तेरा हेडशॉट कैसे लगता है। तो देखो भाई लोग, मैं थोड़ा अलग तरीके से ड्रैग करता हूँ। तो नॉर्मल रोटेशन ड्रैग पर क्या होता है, आपको फायर बटन को यहाँ तक ड्रैग करना पड़ता है, लेकिन मैं फायर बटन को पूरा घुमा के यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, जिसके कारण मेरा इतना ज्यादा हेडशॉट लगता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना। तो अभी बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो आप लोग क्विक वेपन स्विच क्यों यूज करते हो, ऑब्वियसली गन स्विच करने के लिए, बट मैं हेडशॉट मारने के लिए यूज करता हूँ। तो अभी बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे कि क्विक वेपन स्विच के साथ हेडशॉट का क्या कनेक्शन है। तो आप लोग यह वाला क्लिप देखो, तो यहाँ पर मैं एक बंदे को इजीली हेडशॉट मार दिया, बट मैं जैसे दूसरे बंदे को हेडशॉट मारने के लिए जाता हूँ, मेरा हेडशॉट मिस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या गलती किया, तो मैंने यहाँ पर क्विक वेपन स्विच यूज नहीं किया था, जिसके कारण मेरा हेडशॉट मिस हो जाता है, और मैंने जैसे क्विक वेपन स्विच को यूज किया मेरा इजीली हेडशॉट लग गया। तो आपको भी क्विक वेपन स्विच यूज करना चाहिए, और अगर आपको क्विक वेपन स्विच यूज करना नहीं आता तो कमेंट में यस लिख देना, मैं आपको क्विक वेपन स्विच के बिना हेडशॉट मारना सिखा दूंगा।